पहले जाएंगे परचेज पे। परचेज पे जाने के बाद में यहाँ पे आप आइटम नेम, बार कोड, आइटम कोड, कैटेगरी से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको आइटम नेम से सर्च करना है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए सॉफ्ट ड्रिंक, तो यहाँ पे देखिए आपको शो हो जाता है। तो आप इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए कार्ट में ऐड हो जाता है। अगर आपको कुछ एडिट करना है, क्वांटिटी इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे एडिट कर दीजिए। देन क्वांटिटी इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि दो। अगर आपको प्राइसिंग कुछ ऐड करना है तो प्राइसिंग पे आप डाल सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे टू ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि परसेंट में एंड अमाउंट में। आपको जिस तरीके से डिस्काउंट देना होता है आप उस तरीके से दे सकते हैं। अभी क्या होता है, मैं परसेंट में दे रही हूँ, तो परसेंट में 5% में यहाँ पे डिस्काउंट दे रही हूँ। देन मैं इसको यहाँ पे सेव कर देती हूँ। अगर आपको क्लियर कार्ड करना है तो यहाँ से आप क्लियर कार्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको सप्लायर को ऐड करना है तो यहाँ से आप सप्लायर को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सप्लायर मॉडल पे आ गई हूँ, तो देन इसको यहाँ पे ऐड टू परचेस करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा सप्लायर भी ऐड हो गया है। अगर आपको यहीं से न्यू आइटम क्रिएट करना है तो यहाँ से आप न्यू आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको चेंज सप्लायर करना है, आपको ये सप्लायर का नेम नहीं चाहिए, दूसरा सप्लायर क्रिएट करना है, तो आप चेंज सप्लायर भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नीचे, देखिए आपको ऑन बिल डिस्काउंट। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास से कुछ ऑन बिल डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन सेव। नेक्स्ट आते हैं मेक पेमेंट पे। यहाँ पे देखिए हमारा पूरा डिटेल्स आ जाता है। अगर आपको रिसिप्ट का प्रिंट देना है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर आपको प्रिंट नहीं चाहिए तो यहाँ पे अनटिक रखिए, ठीक है। आप जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से परचेस करते हैं इनवॉइस, उस पर भी एक इनवॉइस नंबर होता है, वो भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ कमेंट देना है तो आप कमेंट ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास से किस तरीके से परचेस कर रहा हूँ। जैसे कि अगर उधार पे ले रहा हूँ तो परचेज ऑन क्रेडिट, समथिंग में क्या करती हूँ उधार पे भी ले रही हूँ, तो 200 रुपीज में उधार डाल देती हूँ यहाँ पे परचेज ऑन क्रेडिट। देन जो बाकी बच रहा है वो मैं उसको चेक में पे करती हूँ, तो यहाँ पे 85 रुपीज मैं चेक में डाल के पे कर दूंगी। तो यहाँ पे नीचे आपको दिख जाता है कि दो पेमेंट मोड से मैंने यहाँ पे किया है। देन अगर आपको कुछ डेट वगैरह एडिट करना है तो यहाँ से आप डेट भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं 8 तारीख का डालती हूँ, तो यहाँ पे देखिए। देन फिनिश, तो ये मेरा परचेज बिल यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे डेट भी आपको 8 तारीख का दिखता है। अगर यहीं से आपको बारकोड प्रिंट भी देना है इस आइटम का, तो यहाँ से आप बारकोड प्रिंट भी दे सकते हैं। अगर आपको रीप्रिंट रिसिप्ट चाहिए तो यहाँ से आप रीप्रिंट भी रिसिप्ट दे सकते हैं। देन मैं इसको बैक ले लेती हूँ। इसके बाद में हम लोग जाएंगे परचेज रिटर्न में। अभी हमने परचेज किया था, इसके बाद में परचेज रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे जो आपने इनवॉइस जनरेट किया था वही इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है, जैसे कि 01 एंटर, तो वो आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आपको इसको रिटर्न करना है तो रिटर्न एड टू रिटर्न। देन अगर कितनी क्वांटिटी रिटर्न हो रही है, अभी आपने यहाँ पे 2 डाला है, अगर 1 क्वांटिटी रिटर्न हो रहा है तो 1 डाल के आप यहाँ पे सेव कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 का ही दिखेगा। देन मेक पेमेंट, देन किस तरीके से आप उनको पे कर रहे हैं, अगर कैश में करें तो कैश में डाल के पे कर दीजिए। कुछ कमेंट देना है, अगर वो क्यों रिटर्न कर रहे हैं, किसके लिए क्या इश्यू है, ऐसे कुछ डालना था वैसे कमेंट दे के चेकआउट कर दीजिए, तो ये आपको रिटर्न बिल भी आ जाता है। अगर आपको रीप्रिंट देना है तो यहाँ से आप रीप्रिंट भी दे सकते हैं। ये हो गया है हमारा परचेज रिटर्न। देन हम लोग जाते हैं टेक अवे पे। ये हमारा टेक अवे है। यहाँ पे आप आइटम नेम, बार कोड, आइटम कोड, कैटेगरी से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ चिकन नूडल्स, देखिए तो यहाँ पे चिकन नूडल्स वगैरह आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे कौन सा चाहिए, चिकन 555 चाहिए, तो मैं ऐड टू कार्ट करूंगी। देन यहाँ पे देखिए आइटम ऐड टू कार्ट हो जाता है। अगर क्वांटिटी इंक्रीज करना है तो क्वांटिटी में यहाँ पे इंक्रीज भी कर दूंगी। अगर प्राइसिंग में कुछ चेंज करना है तो प्राइसिंग भी मैं चेंज कर दूंगी। देन अगर आपको डिस्काउंट वगैरह देना है तो यहाँ पे आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। 2 टाइप्स का होता है, परसेंट एंड अमाउंट में, ओके। किस तरीके से आपको देना है उस तरीके से आप दे सकते हैं। देन सेव कर दीजिए। अगर यहाँ पे आपको क्लियर कार्ड करना है तो आप क्लियर कार्ड भी कर सकते हैं। अगर यहीं से आपको ऐड टू कस्टमर करना है तो यहाँ से आप ऐड टू कस्टमर भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर क्रिएट हो गया है। अगर सस्पेंडेड मीन्स आपको अगर ये बिल होल्ड पे रखना है थोड़ी देर के लिए, तो आप यहाँ पे सस्पेंडेड सेल भी कर सकते हैं, ओके। देन अगर आपको यहाँ से डिलीट करना है तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे जाएंगे, अगर आप ऑन बिल डिस्काउंट दे रहे हैं सेल करने के टाइम पे, यहाँ पे आप ऑन बिल डिस्काउंट भी दे सकते हो। सेव कर दीजिए। अगर क्विक पे करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे कैश पेमेंट हो जाएगा, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका बिल जनरेट हो जाता है।
ठीक है, अगर आपको रीप्रिंट देना है तो यहाँ से आप रीप्रिंट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। अब मैं आपको और एक, अभी मैंने आपको क्विक पे कैसे करते हैं वो बताया। नेक्स्ट और एक पेमेंट मोड है जैसे कि एडवांस पेमेंट। अभी मैं एक आइटम क्रिएट कर देती हूँ जैसे कि नूडल्स शो आइटम ऐड टू कार्ट, तो यहाँ पे आ जाता है, इसको सेव कर देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कस्टमर क्रिएट कर लेती हूँ, ऐड टू कस्टमर करती हूँ, ऐड टू सेव, तो यहाँ पे कस्टमर क्रिएट हो जाता है। देन अगर आपको कोई गूगल पे, पेटीएम, अदर पेमेंट मोड से कर रहा है तो आप यहाँ पे एडवांस पेमेंट में जाके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैश, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आता है। अगर कोई डेबिट कार्ड में कर रहा है तो आप डेबिट कार्ड डाल दीजिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कितना डेबिट कार्ड में वो पे कर रहे हैं आपको। ओके, 100 रुपीज पे। और जो बाकी बचा हुआ है, अगर आप उधार पे ले रहे हैं, मीन सेल ऑन क्रेडिट पे ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेल ऑन क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो 78.50 रुपीज में उधार पे ले रही हूँ, तो पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो पेमेंट मोड्स पे यहाँ पे पेमेंट्स किए हैं। अगर आपको डेट में कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप डेट में भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमर चेंज करना है तो चेंज कस्टमर्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन अगर कुछ कमेंट देना है तो यहाँ पे कमेंट दे दीजिए, देन चेकआउट, तो आपको ये सेल्स का बिल आ जाता है। अगर आपको रिप्रिंट देना है तो यहाँ से आप रिप्रिंट भी दे सकते हैं। क्या तो ऑप्शन रहेगा, तो ये हमारा टेक अवे हो गया है। हम लोग जाते हैं अभी बैक, उसके बाद में हम लोग जाएंगे टेक अवे रिटर्न। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर एंटर कर दीजिए जो आप सेल करते हैं, जैसे कि 01 एंटर, तो आपको यहाँ पे देखिए वो आइटम दिखाई देता है, तो इसको ऐड टू रिटर्न कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ऐड टू रिटर्न किया है, यहाँ पे आइटम आपको दिख रहा है। आपको अगर कुछ एडिट करके एक आइटम रिटर्न करना है, दो क्या होता है, यहाँ पे आप डाल के सेव कर दीजिए। देन मेक पेमेंट, तो यहाँ पे किस तरीके से पेमेंट हो रहा है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कैश में करें तो कैश डाल दीजिए, पे, तो यहाँ पे आ जाता है। अगर आपको कुछ कमेंट वगैरह देना है तो आप कमेंट भी यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ पे अगर कुछ कमेंट देना है तो यहाँ पे आप कमेंट दे के चेकआउट कर दीजिए, तो ये आपको टेक अवे रिटर्न का भी बिल आ जाएगा। अगर आपको प्रिंट का रीप्रिंट देना है यहाँ पे बिल का, तो यहाँ पे रीप्रिंट भी आप दे के कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा टेक अवे रिटर्न्स।